ਐ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੱਕਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਜੇ ਕਹੀ ਨਾਲ ਗਾਟਾ ਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਵੀ ਗਾਟਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ टाइम सुन जाते देखने वाले तमाम प्यारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। 5 अगस्त को बहुत ही प्यारी मूवी रिलीज होने जा रही है शक्कर पारे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हम सभी इंतजार करते हैं कब पंजाबी इंडस्ट्री में एक प्यारी सी मूवी आए और हम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने जाए। और बहुत ही सुपर टैलेंटेड पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिन्हें आप काफी शेड्स में पंजाबी मूवीज में देखते हैं। मिस्टर सरदार जी, हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, इतने सारे करेक्टर्स में हम आपको इतने टाइम से देख रहे हैं, नेगेटिव करेक्टर भी आपने प्ले किया है, कॉमिक भी आप प्ले करते हैं, अब एक और खूबसूरत सी मूवी आ रही है शक्कर पारे। हम स्टोरी नहीं पूछेंगे आपसे, थोड़ा सा पूछना चाहेंगे किस तरीके की मूवी है ये मूवी? जैसे आपने मुझे पूछा, जितने प्यार से वैसी ही प्यारी फिल्म है। इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, मिठास ही मिठास है। शक्कर पारे नाम इसलिए है, कैरेक्टर जो हैं बहुत प्यारे प्यारे हैं, मीठे मीठे हैं। बात करने का ढंग जो है वैसा लगता है किसी को चुभे नहीं, किसी को कोई हर्ट नहीं हो, तो वैसी फिल्म है। हीरो हीरोइन है, एक बीच में नेगेटिव कैरेक्टर आता है, वो भी थोड़ी देर के लिए वो लड़कियों के पीछे होते हैं लड़के, वो है। और मेरा कैरेक्टर है पॉलिटिशियन का, पॉलिटिशियन हूँ लेकिन पॉलिटिक्स को बिल्कुल छेड़ा नहीं फिल्म में, बिल्कुल नहीं। बस वो थोड़ा जो पुलिस ऑफिसर है, जो शिवेंद्र महाल साहब, वो लड़के के बेटे हैं जो नेगेटिव लड़का है, तो बस उनके साथ वो थोड़ा वो दिखाना कि मैं मंत्री हूँ, मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है, तो वो जो एक डांट डपट जो अपनी पोजीशन का जो नाजायज़ फ़ायदा होता है उसके लिए थोड़ा बहुत ऐसा है, लेकिन पॉलिटिकल कुछ नहीं है। तो इसलिए उधर गए ही नहीं हम कि लोगों को फिल्म लगे कि पॉलिटिकल है या मेरा कैरेक्टर लगे कि नेगेटिव है। नेगेटिव वैसा हर आदमी पॉलिटिशियन फिल्म में डालते हैं कि दिखाएंगे ये गुंडा है, ये लालची है, ये रिश्वतखोर है, ये फलां है फलां, वैसा कुछ नहीं है। पंजाबी मूवीज की बात करें, ये 2 से 3 घंटे का टाइम पीरियड ऐसा होता है, एक अलग ही जोन में हम चले जाते हैं। घर में इतने स्ट्रेस होते हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। तो पंजाबी मूवीज, अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, तो हर कोई शख्स चाहता है वो 2 से 3 घंटे हमारे हंसते हुए स्पेंड हो थिएटर्स में। आपको क्या लगता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, आप इतने लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, थिएटर्स में काम कर चुके हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कितना ग्रो कर लिया आज के टाइम पे? ग्रो तो बहुत कर दिया, लेकिन जो ये आप भी वही भाषा बोल रहे हैं कि हम तो वहाँ इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। अरे यार, कुछ सीखने के लिए भी जाते हैं, कुछ अलग से हो, कुछ नया हो, कुछ परिवारक हो, कुछ हमें शिक्षा देने वालों हो, कुछ ये हो कि भाई हम ये थे यहाँ आ गए, ऐसा। ऐसी कहानियाँ भी बननी चाहिए, बीच में बनी हैं 2-4, कम बन रही हैं लेकिन बनी हैं, उनको वाहवाह भी मिली है। वैसे प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आए हैं और कुछ राइटर्स ने स्पेशली मद्देनज़र रख के लिखा गया ये कैरेक्टर सरदार सोही का है, अगर सरदार सोही नहीं है तो इसको छेड़ेंगे नहीं बनाएंगे। तो आई एम लकी कि मैं उसमें कामयाब हूँ। ये एक एक्टर की, थिएटर वाले की एक ड्यूटी, फ़र्ज भी होता है और इच्छा भी होती है मन से कि यार लोग कहें हाँ भाई ये, हाँ वो नहीं कि सिर्फ हा करवाने वाला एक्टर नहीं है, रोलाने वाला भी है लोगों को। सर, वो तो आपको काफी शेड्स में देख चुके हैं। हाँ, फिर कहाँ से आपको ये लगा कि मैं सिर्फ महज एंटरटेनमेंट की बात करूंगा? नहीं, क्योंकि हम अगर पंजाबियों की बात करें ना, तो सबसे पहले मेंटालिटी की होती है, हम हंसते हुए जाएं, हंसने हंसाने वाले खुश मिजाज बंदे होते हैं। तो आप तो मुझे कॉमेडियन बना के रहेंगे, लेकिन मैं कॉमेडियन हूँ नहीं। डायलॉग ही सुना दीजिए मूवी का। हाँ, डायलॉग भी वैसे ही है, वो बहुत सुना हुआ है लोगों ने, जो डायलॉग मैं आज तक सुनाता रहा हूँ, और मुझे ज़्यादा डायलॉग याद नहीं है। वो पहली फिल्म थी मेरी, मतलब ये जो नया दौर चला ना, इसकी पहली फिल्म आई, वो गिप्पी ग्रेवाल का फादर बना था, दो थे, दूसरे तेज सप्रू, वो बने थे अपना दुसांझ के फादर, उसमें डायलॉग बोला था मैंने, वो बहुत पॉपुलर है, जहाँ जाता हूँ वही सुनते हैं।
आए कि लंघ जू खेत चो पानी नाका मोड़ के दिखा जे कही नाल गाटा ना ला दें। अभी गाटा समझाया क्या होता है? बिल्कुल समझ आया सर, टाइम आज वेस्ट नहीं करेंगे सर, बिल्कुल हमें समझ आ गया, हम जाते जाते यही चाहते हैं, टाइम वेस्ट आज आपका नहीं करेंगे सर। जाते जाते शक्कर बारे मूवी के बारे में एक अपीलिंग मैसेज लुधियानवी को सारे भारतवासियों को दे दीजिए। बिल्कुल भाई लुधियानवी हो, देखो एक इस बात की इज्जत रख देना कि सरदार सोही यहाँ 12 साल लुधियाना को देकर गया थिएटर में, अब फिल्म में काम किया, फिल्म भी वो सोच कर ही किया होगा, अच्छी फिल्म बनाई है, एंटरटेनिंग फिल्म है, नाम शक्कर परे है, मीठी मीठी फिल्म है, आपके बच्चे बूढ़े बुजुर्ग और आपकी बेटियां सब इकट्ठा बैठ के देख सकते हैं। 5 तारीख को 5 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही है, पूरी फैमिली के साथ फिल्म एंजॉय करने जरूर, जिंदगी में बहुत मिठास जी जी जी। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ सरदार सोही जी शक्कर पारे मूवी में, वो हमें नजर आने वाले हैं 5 अगस्त को रिलीज होने वाली है। और उन्होंने बहुत ही प्यारा सा अपीलिंग मैसेज सारे लुधियानवीज को सारे पंजाबियों को दिया कि बहुत ही खूबसूरत मूवी है, अपनी फैमिली के साथ जाइए, 2 से 3 घंटे ये मूवी आपको हंसाएगी भी और एक मैसेज भी देगी। और आने वाली अपडेट के साथ बढ़े रहिए हमारे चैनल के साथ, टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। मैं हूँ आपकी एंकर शिप्रा।